लेकिन वो भगवान शिव नहीं बन सकता, भगवान विष्णु नहीं बन सकता। हम वो तो एक जग पर कभी जीते जी कभी भी सनातन धर्म को कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म में विश्वास कर दो, वो कोई भी व्यक्ति ऊंचे भगवान स्थान पर नहीं देख सकते। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के पक्ष में जमकर प्रचार प्रसार किया। गणेश गोदियाल का अंदाज आप इस भाषण से समझ सकते हैं, किस प्रकार से अपने चित परिचित अंदाज में उस सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखेगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। आइए सुनते हैं गणेश गोदियाल ने किस अंदाज में भाषण दिया है। लेकिन सरकार करनी क्या चाह, आसान काम करनी चाह, जो बात होते बोल कही, सिर्फ और सिर्फ समाज में विद्रोह पैदा होना और उसे वोटे खेती करो, आराम से वोटे खेती लौड़ो। क्या बोली चाह, बोली चाह कि डेमोग्राफिक चेंज हो गए। डेमोग्राफिक चेंज मतलब समझते हैं क्या चाह, उन्हें बोलना मतलब यो चाह कि यख जो है दूसरे धर्म लोग आना छे। 10 साल बैठी तुम्हारी सरकार केंद्र में छह और 7.5 साल बैठी तुम्हारी सरकार यक छह और वो एक बात बोला छे तुम्हें कि डेमोग्राफिक चेंज हो गए तो दोषी को छह कांग्रेस दोषी जमा खुणी। अगर अगर तुम सत्ता में छह यहां तो तुम किले नहीं रोकी ना। अगर इन्हें ना सच्चाई आ कि कोई नहीं आयो, ये लोग अपना लोग भेज के विद्रोह करो देना, झगड़ा करो देना और तब हम लोग का दिमाग खराब कर देना और सत्ता सुख लेना खोनी वोटू खेती तक काट देना। सच्चाई आज ये वजह से आज जो केदारनाथ का मुद्दा छिन, केदारनाथ विधानसभा चुनाव छो, ये देश का चुनाव नहीं, ये राज्य का चुनाव नहीं। राज्य विधानसभा में जन भाई सजान जी बोले कि सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ये विधानसभा लोग पर 5 साल तक जो मार पड़े सरकार द्वारा वही मार को बदल लेने का अवसर छो। आज मैं पूछना चाहू छू कि भाई आम आदमी बोलू छा, तुम्हारे गांव में बेटी बत्तेरा रोग होला, कोई खच्चर चलाना होलो केदारनाथ में, खच्चर खच्चर काम करना होलो, कोई ढाबा चलाना होलो, कोई ढाबा में नौकरी करना होलो, कोई होटल में वेटरगिरी करना होलो, कोई गाइड होलो, कोई कुछ ना कुछ रूप में तुम्हारे गांव में अगर 50 मवासा छेना तो वह में बैठी 10 मवासा जरूर यात्रा से जुड़े अगर कोई ड्राइवर हो लो गाड़ी वाली, लेकिन ऊंगा रोजगार पर फर्क पड़े। चले पड़े कि सरकार जानबूझ के यात्रा में घपरों करे, तितर बितर कर यात्रा, घपरों कर यात्रा में और हमारे हकों पर चोट कर। आज ये मौका था कि हम सरकार का वो कृत्य को बदल लिया। तुम सुन बोलो अभी एक मूल सभी वक्त केदारनाथ में सोना की बात कर, क्या आचो केदारनाथ तो सोना आज तक किले नहीं हुए भाई, वो सोना में गड़बड़ सोना ही नहीं सर, चोर कखबट ढूंढ सो खाल बिल है ना सोन नहीं आए और आज तक 1 साल से 1.5 साल से ज्यादा टाइम होगा, लेकिन आज तक सरकार बोल छो कि हम कमिश्नर बटी जांच कराना था, लेकिन आज तक वो जांच समझ नहीं आए कि वो जांच में मिल क्या। सोन हमसे बिजाड़ना सोन के होना सोन होते तू हम सोन है या हफ्ते नहीं हुए चोर है एक दिन हम तो नहीं बोल कांग्रेस थोड़े वक वो उजागर करो खड़े वो कहा तीर्थ पुरोहित बोले कि भाई जो सोन लगाए छो वो सोन पितु होएगा और कखमु पितु होएगा और कखमु ताम होएगा, ये किसी नहीं हो कखमु पितु होया और कखमु ताम हो। वो असल में होएगा था जमो कम कम पॉलिश निकले तमु पितु जन देखा और जमो पूर पॉलिश निकल कर तखमु ताम होएगा इनकन के वह कहानी सोन छो। और सरकार 21 में निर्लज्ज सरकार कि ये निर्लज्ज सरकार ला जति कति वो पॉलिश बची से भी पॉलिश पर मैं बटे कहां से सीट लगा दिन प्लास्टिक जन एक्रेलिक बोल दिन एक मटेरियल खोने वे एक्रेलिक के सीट लगा दिन तुम केदारनाथ यहां जाना अध्यक्ष जी तो वे पर देख तुम प्लास्टिक का सीट लगी वो सोने पर प्लास्टिक का सीट लगा दे। अरे भाई हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या बोल दिन ना कहावत एक वो यहां लगाएगा वो सीट है कि लोग का किए तो देखना है कि आमलाल कुरेद के नहीं देखने कि क्या है ताकि भर भर सीट लग गा वे पर पार नहीं लगो वे कलर नहीं छूटो तो पहल दू सरकार देख भाई हमला। और जो मंदिर होते नहीं छोड़नी चाह जो सरकार ढाडू जन है ढाडू बिराल जन भीतर जाके दूध प्राण से देव मा का आंख बंद करके मोछो पर मंदिर सोन खा जाना छे ना, मंदिर सोन खाना छे ना, मंदिर सोन बेचना छे ना, मंदिर सोन में गड़बड़ करना छे ना,
केदारनाथ सोने में गड़बड़ करना चाहिए और बैरा के जय श्री राम जय भोले बड़ा भक्त बने भाई यू धर्म चूंगो असल धर्म यो चूंगो ये बात तुम्हारे गांव में सभी उतर समझे यहां ये 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 हाथ मनो खुणी ये निवेदन करो खुणी हम तुम्हारे गांव में आया था ये निवेदन करो खुणी हम केदारनाथ रोका बीच में आया था कि केदारनाथ हमारा सम्मानित मतदाता हो ये बात समझा और अगर धर्म रक्षक कण चंद है तो धर्म की रक्षा करो खुण सच्चाई साथ त्यौन पड़ो धर्म की रक्षा सच्चाई साथ हो झूठा लोग साथ देके धर्म रक्षा नहीं हो अगर मैं कैंडिडेट हूं बात करो तो आप बीच दुई कैंडिडेट मुख्य राजनीतिक पार्टियों छन उन ये गांव में भी कैंडिडेट छे ना लेकिन जो दुई राष्ट्रीय राष्ट्रीय दल छे ना वो दुई राष्ट्रीय दलों का कैंडिडेट आप बीच छे ना एक कैंडिडेट मनोज रावत छे जय मनोज रावत का विचारा का समरूप जय मनोज रावत का विचारा का अनुरूप आज उत्तराखंड में जो सबसे बड़ो आंदोलन चलनु छे केचो प्रभावी भू कानून वो विचार मनोज रावत है इजाज मनोज रावत तो दीर्घ विचार आज पूरा उत्तराखंड मनोज रावत वो विचार पिछले चलो चाह कि हम तो प्रभावी भू कानून चलो जय व्यक्ति ये आगाज सी बातो आगाज आज से छह साल पहले छो वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं चाह ये जरूर चाह कि हमारे बीच रहते हुए हम साधारण भाषा में हमारे मनोज भाई हम लोग बात कर दें तो वे सकते बहुत सोखते हैं उनारी उनारा ज्ञान के बारे में उसकी जानकारी नहीं हो लेकिन ये गणेश को दयाल जानता आप ये भाई जानता कि मनोज रावत हम सभी होंगे भविष्य की उम्मीद छ भविष्य की आशा छ तो ये वजह से मैं आप लोग से निवेदन करो खुनाई छो दूसरे मैं बीजेपी प्रत्याशी छन बीजेपी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी छन राज्य की लेकिन उसे जब उम्मीद करनी चाहिए कि भाई अंकिता भंडारी हत्याकांड हो जब सुनो तुम ला अरे भाई हमारे भी नोने भूले भैर काम धाम वे मजा देना लेकिन जय परिवार पर वो घटना घटे जय परिवार पर वो बीते वे परिवार के साथ खड़े हुए थे और वे घटना को दोषी निश्चित रूप में आप लोग ये गांव के पंचायत भवन में आकर सरेआम ये सोशल मीडिया के माध्यम से पहल भी रहा आज भी आरोप लगा छो कि उन्हार पार्टी का बड़ा नेता हुए घटना का दोषी छिन उछिन बीआईपी आज तक क्यों नहीं पूछे कि वो बीआईपी कुछ नु जेल ऑफिस ने जान चाहे एक स्टेटमेंट ही नारी किस बनी है मैं पूछना चाहू छू आप लोग कि क्या महिला होना ना था सिर्फ ई बात पर वोट दे देना चाहना चाहिए कि सिर्फ कोई महिला छिन जब महिलाओं पर विपत्ति पड़े तब महिला कक्ष है कि लेकिन नेता तो पहले छिनो तब कक्ष आओ वो दिन उन आवश्यकता है ये वजह से दुई लोग आपा सामने जो संभावित छे कि भाई जो दुई लोग बीच में सीधी आमने सामने टक्कर चाहे वो दुई लोग में मनोज रावत चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो चाहे भू कानून हो और चाहे राज्य की कोई दूसरी समस्या हो चाहे केदारनाथ में सोना चोरी की बात हो और वैसे पहले आप तो याद से एक बार मनोज भाई विधायक छो अरे आर्मी केदारनाथ में देख छो या लेट तो भणी भाई पर जरा 2 मिनट और बंद है केदारनाथ में भी देख छो अब एक दिन अचानक पता चले कि केदारनाथ में लेजर सोच हम को अध्यक्ष छो पर मीता ने बताया कि लेजर सोच गुजरात बटाई से अब बड़ी टीम 100-200 लोग की फौज का MI-17 हेलीकॉप्टरों से मशीन है रोका वे सो कनुखणी मतलब वो मशीन जो उन्हें लेजर सो गई और बड़ी टीम आई से और बहुत सवेर प्रधानमंत्री जी लौट सो और जब लेजर सो बात आई मिल बोल भाई क्यों लेजर सो बल मंदिर पर बोल अमल पिक्चर दिखो बल मंदिर दीवालों पर जानी भैरव दीवाल है ना दीवालों पर पिक्चर दिखो चरित्र बैठ मेरे भाई परमिशन कल दे दी ना कि परमिशन सरकार दी ना मेरे बोल सरकारों नीचे मंदिर ये मंदिर और प्रबंधन मंदिर समिति कर और मंदिर पर फिल्म इनके नहीं दिखाई सकें भाई तुम मंदिर पर फिल्म दिखा लिया कोई कोई इन चीज दिखा दी लिया कि जैसे कहे भी धार्मिक भावना आत हूं तो फिर क्यों बोलो कि हम तो सरकार परमिशन दिया मिलवर हो ही नहीं सके सरकार एक तरफ गई हम उली हो जान भाई मनोज रावत तो पूछा और तमाम तुम्हारा केदारनाथ तमाम लोग पुरोहित लोग माननीय पुरोहितगण वक्त पूछा और सभी बोले कि भाई गोदियाल जी सही बोला ना मंदिर पर पिक्चर दिखो ठीक बात नहीं चाहे तुम्हारे कुछ भी पिक्चर बनाई छ पर मंदिर पर ठीक बात नहीं छ पिक्चर दिखो और वो पिक्चर के छे बाद में जब बहुत झगड़ा झंझट हुआ तो वो पिक्चर अमल पर लैपटॉप पर देखे तो वो पिक्चर इन छे कि 17 मिनट है पिक्चर तो वो धार्मिक छे भगवान शिवा विभिन्न मतलब ऊपर छे कि भगवान शिव जी लीन करे तन करे लेकिन 5 मिनट वो पिक्चर प्रधानमंत्री जी पर छे और वो पे बोली हुई छो कि प्रधानमंत्री जी भगवान अवतार छिन और उबर तुम्हें पिक्चर में बोलेगा
लेकिन अब जो प्रधानमंत्री जी बनारस में खुद बोले, लेकिन मैं तो लग रहा है कि मैं मांग पेट बटे पद नहीं हूं, मैं अवतारी हूं, बोल सके नहीं बोले, अब तो खुद बोले लूंगा। तो यह मतलब उन्होंने भावना छी पैद बटी कि वो केदारनाथ में भगवान भगवान के रूप में स्थापित हो, हम नहीं होने जाओ काम, हम बोले धार्मिक दिखावा। लेकिन कह नेता थे, कोई भी नेता हो, कांग्रेस और नेता हो, बीजेपी नेता हो, वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता, वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता, लेकिन वो भगवान शिव नहीं बन सकता, भगवान विष्णु नहीं बन सकता। हम बोलते हैं एक जगह पर कभी जीते जी, कभी भी सनातन धर्म को कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म में विश्वास कर दो, वो कोई भी व्यक्ति ऊंचे भगवान स्थान पर नहीं देख सकत। और तब जाके वो कार्यक्रम रुके, कोई बात नहीं, मिलवांग बड़ी कीमत चुका है, मिल बड़ी कीमत चुका है वांग, और कीमत यह चुका मिला कि मेरा काम धंधा सब बंद हो गया, मेरे जब काम धंधा चलता है ये प्रदेश में, मिल कभी नहीं कर भाई ठेकेदारी कि लेकिन ये प्रदेश में 2002 में तुम्हें विधायक बन गए छो, और जब मैं विधायक बन गए छो तो मिल सोचे कि जो काम धंधा का नहीं रखा तो मिल दूसरों के ना, मैं तो यहां हुड़ चुने हुआ हूं कि काम धंधा तुम उखड़ लो, और जब काम धंधा मैं खुद ही कर बैठू तो तुम तो क्या दू, तो मिल काम धंधा नहीं कर रख, लेकिन जख भी मेरे भैर काम धंधा चल था मेरे सब काम धंधा बंद, कोई बात नहीं, मेरे को कीमत चुका है, लेकिन मैं अपने विचारों से समझौता नहीं कर सकू, मैं अपनी आत्मा की आवाज से समझौता नहीं कर सकू, और मैं आत्मा की आवाज के आधार पर मैं कांग्रेस में बनी छो, और मैं तो विश्वास है कि ये क्षेत्रों को, ये प्रदेश को और ये देश को भल कांग्रेस कर सकता, ये वजह से मैं पार्टी में खड़ा हूं। तो आज मैं आप लोग का बीच निवेदन करो खड़ा छो, करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन करो छो, अग्निवीर हम वो छा हमारे नोन डमडुम फौज में भर्ती होल, आप होना चाहे कथी 3 साल 4 साल हो गए फौज भर्ती बंद होगा कक्षाण हमारे बच्चों, और बच्चे वो आंग भी फिर भी बना छिन बीजेपी बीजेपी बीजेपी, अरे गुनगुनों तक फुके गए किड़ान को खड़ी तुम पता नहीं चलो, जब तक इनकी स्थिति हुई सोचा समझा देखा, धर्म हमारी मान्यता की स्थिति, हमारी मान्यता की बात, हम तक कोई नहीं, कोई नहीं डिगा सकता अपना धर्म बट, ये गणेश गोजाल से बड़ो हिंदू कोई, और वो सबसे बड़ो वो सबसे बड़ो जो हिंदुत्व तो छा जो सनातन छा वो यो छा कि सच्चाई के साथ सत्यता के साथ छा, अगर हमारा आदमी भी गलत करे ना तो वह हिम्मत हो के हम बोल सका कि गलत यार बोल छा, हम बोल छा अगर हमारे कोई नेता गलत करो ना हम बोल छा कि गलत, तो वो सच्चाई के साथ सबसे बड़ा धर्म छ। तो ये वजह से मैं आप सबसे निवेदन करना चाहो छो कि यूं चीजों तक अगर जवाब दें, यूं बातों तक अगर जवाब दें, को भूली नहीं चाली कि मेर नो नो मेर भूला फौज में भर्ती हो को नहीं चाली हर एक चाल, लेकिन कखबटी द्वार बंद कर, और तभी भी जो चिन्ह करा कि ना ये बोलचा ये बोलचा आंखों देख के काम करा। मैं आपसे निवेदन करना छो, खास करके यूं भूलियों से दीदियों से निवेदन करना छो, यू भाइयों से निवेदन करना छो कि जब तक तुम्हारा यार आवत रिश्तेदार जान पहचान का लोग छा, आजकल तो फोन से सब काम हो दिन, तुम अगर एक दिन में जा लिया तो 4 रिश्तेदार से मिल लिया, लेकिन अगर फोन कर बैठी लिया तो 40 रिश्तेदार से फोन कर सकते सुबह बैठी श्याम तक कि हाथा निशान पर मनोज रावत जी का आशीर्वाद दे के ये विधानसभा क्षेत्र बटी उत्तराखंड की विधानसभा में पूरा उत्तराखंड आवाज बन सको, ये किस्म व्यक्तित्व मनोज रावत है, और मनोज रावत ने अपना आशीर्वाद दिया। और तमाम सोशल मीडिया जमान मैं केदारनाथ विधानसभा का सम्मानित कार्यकर्ता होते एक निवेदन करना चाहू छो कि ये मौका छ, और ये मौका पर तुम लोग सब एकजुट होकर अपना परिचय दिया, और ये परिचय जय हिसाब से भगवाल बद्रनाथ विधानसभा में लोग मनाया, जय हिसाब से बद्रनाथ विधानसभा कार्यकर्ताओं भगवाल मनाया, वे हिसाब से ये भगवाल बीतना बावजूद 23 तारीख का बाद केदारनाथ विधानसभा कार्यकर्ता भी भगवाल मनाला, ये मैं निवेदन कार्यकर्ताओं से कंसान, तो बहुत अधिक न बोलते हुए मैं निवेदन कर दूं।